वाड़ी नागपुर शहर फिरियादी नाम सोमन सिंह श्रीमन्नी सिंह सिंगर आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम अनेपुर जिला औरैया उत्तर प्रदेश ने प्रेमहीना लिमिटेड के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में बताया कि उनकी कंपनी के विभिन्न उत्पाद पूरे भारत में बेचे जा रहे हैं, जिनमें से निशाहीना आधारित बालों का रंग मेहंदी उत्पाद की एक सटीक प्रति है। वाड़ी पुलिस की मदद से माल पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। वाड़ी क्षेत्र के अम्बेडकर नगर स्थित कोंडगले किराना स्टोर पर नकली सामान की 12 पैकेट मिली। जब यातायात करने वाले का नाम वाहन को बुलाया गया तो जिस डीलर से सामान लाया था उसका नाम दीपक तलरेजा, टेकाना का नागपुर निवासी और इसकी ओस अमरावती रोड स्माइल लेआउट में है और वहां से माल नागपुर में वितरित किया जा रहा है। टेकाना का नागपुर निवासी दीपक तलरेजा के खिलाफ वाड़ी की कंपनी के हीना आधारित बालों के रंग के नाम से बाजार में नकली उत्पादों की आपूर्ति करके वाड़ी की कंपनी ने उत्पाद का ट्रेडमार्क और कॉपीराइट पंजीकृत की धोखाधड़ी की ऐसी शिकायत की। इसी के तहत IDV कॉपीराइट अधिनियम की धाराओं के तहत और ट्रेडमार्क अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। अपराध की जांच के दौरान पुलिस की टीम आरोपी के कार्यालय में गई और पता चला कि कारखाने के मालिक ने 2 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। मालिक ने अपना नाम दीपक कन्हैयालाल तलरेजा, उम्र 38, गुलमोहर सोसाइटी के फ्लैट नंबर 516 निवासी टेकाना का पुलिस स्टेशन कपिल नगर नागपुर बताया था और उनके यहाँ काम करने वाले जिन्होंने 52 साल की संजय सपत पवार बताया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट लाया गया। हीना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्लास्टिक बैग में निशा हीना आधारित हेयर कलर मेहंदी में कुल 8,400 पाउच पाए गए। प्रति पाउच 15 रुपए के हिसाब से 1,25,000 रुपए का नकली सामान जब्त किया गया। आरोपी वाड़ी कंपनी के नाम पर पैकेजिंग में नकली सामान बनाकर ग्राहक के साथ साथ कंपनी को भी धोखा दे रहा है और साथ ही आरोपी के कब्जे में किसी अन्य कंपनी के नाम पर भी आरोपी की जांच करना आवश्यक है। वाड़ी का उत्पाद निशाहीना हर्बल आधारित हेयर कलर मेहंदी की एक नकली पैकेजिंग है, जिसमें स्वयं निर्मित मेहंदी पाउडर और अन्य सामग्री का समावेश है। साथ ही एक अन्य कंपनी का नाम भी पाया गया है। उत्पाद और आरोपी से इसके लिए इस्तेमाल की गई पैकेजिंग और गर्भनाल के बारे में पूछताछ की जा रही है। आरोपी से यह पता लगाना बाकी है कि आरोपी द्वारा चलाई जा रही फैक्ट्री में और कितने आरोपी शामिल है। आरोपी से अभी पता नहीं चल पाया है कि आरोपी वाड़ी की कंपनी के साथ कहां है और विभिन्न कंपनियों के उत्पाद जाली है। आरोपी के पास से जब्त नकली उत्पाद की जांच आरोपी द्वारा की जानी बाकी है। निशा मेहंदी के साथ साथ अन्य बनावटी मसाले भी पाए गए, जो कुल 4,00,000 का मुद्देमाल है। कारखाने को बंद कर पूरा माल वाड़ी थाने में लाया गया। दिनांक 18/11/2021 रोजी दुपारी 2:30 वाजता सुमारास प्रेमहीना प्रायवेट लिमिटेड कंपनीचे प्रतिनिधी सोमन सिंग सिंगर यांनी पोलीस स्टेशन वाडी या ठिकाणी येऊन रिपोर्ट दिला की त्यांचा प्रोडक्ट निशाहीना आहे आणि तो वाडी हद्दीमध्ये आणि इतर ठिकाणी सर्वत्रपणे बनावट प्रोडक्ट विक्री केला जात आहे। त्यावरून त्यांनी आम्हाला आंबेडकर नगर या ठिकाणी कोटांगले किराणा दुकान या ठिकाणी आमचा प्रोडक्ट विकल्या जात आहे असे सांगितले। त्यावरून आम्ही कोटांगले किराणा दुकान चेक केले असता त्या ठिकाणी आम्हाला 12 पॅकेट्स हे हिना मेहंदीचे मिळून आले। त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितले की कोटांगलेचे मालक आहे, त्यांनी सांगितले की हे माल त्यांनी प्रजापती किराणा दुकान आंबेडकर नगर या ठिकाणी घेतलेले आहे। तिथे गेलो असता आम्ही त्या ठिकाणी आम्हाला 250 पॅकेट्स निशाहीना मेहंदीचे मिळून आले। यांना विचारपूस केली असता यांना जो माल आणून देणारा होता त्यांनी सांगितले की हा सदरचा माल पूर्ण दीपक कन्हैयालाल तलरेजा राहणार जरीपटका यांनी वाडी हद्दीमध्ये एक फॅक्टरी टाकलेली आहे, या ठिकाणी तो माल तयार करतो आणि हा तयार झालेला माल तो यांना विक्री करण्यासाठी देतो आणि त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे हा जो चालक आहे तो त्या ठिकाणी जाऊन तो माल विक्री करतो। BCN न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटील की रिपोर्ट।